नमस्कार, परीक्षा प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज रीजनिंग की क्लास में हम जो है लास्ट आपका रैंकिंग का सेशन है, इसमें हम क्वेश्चन सेशन करेंगे। उसके बाद से ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, फिर हम आगे नए चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपको ये जितने भी लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो 10+ कोर्स के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। अगर आप लोग इन सभी लेक्चर्स के नोट्स और प्रैक्टिस सेट चाहते हो तो आप हमारे ऐप से, परीक्षा प्लस ऐप से पीडीएफ सब्सक्रिप्शन प्लान ले लो, जहाँ पे सभी क्लासेस के नोट्स आपके सीरियल वाइज लगे हुए हैं। चलिए, देर ना करते हुए हम अपने क्वेश्चन सेशन पे बढ़ते हैं। और आज का क्वेश्चन सेशन आसान सा है, ठीक है? आप लोगों को मेरे साथ साथ जैसे मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक? उसके बाद से मैं तो आंसर उसका बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा। चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, सिंपल सा क्वेश्चन है रैंकिंग का। आप लोग इसका आंसर कमेंट करो। हिंदी वाले हिंदी मीडियम से देख लो, इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम से देख लो, दोनों माध्यम में क्वेश्चन है। बोला है कि लड़कों के एक कतार में शैलेश शुरू से 20वें स्थान पर है तथा अनीस अंत से 15वें स्थान पर है। उनके बीच में 14 व्यक्ति हैं, तो कतार में कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिकतम संख्या पूछ रहा है आपसे, तो मैक्सिमम नंबर आपको निकालना है। तो मैक्सिमम नंबर देखिए, निकालने के लिए बताया था कि जब भी आपका मैक्सिमम निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट से पोजीशन, राइट से पोजीशन प्लस मिडिल टर्म, ठीक है? लेफ्ट से पोजीशन प्लस राइट से पोजीशन प्लस मिडिल टर्म आपका क्या हो जाएगा? यही आपका टोटल हो जाएगा। ये किस केस में होगा? ये मैक्सिमम जब निकालना होगा। और मिनिमम के लिए मैंने बताया था लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2, माइनस मिड -2, ठीक है? ये मैंने किसके लिए बताया था? मिनिमम के लिए बताया था। अब देख लेते हैं इसे, लेफ्ट से कितनी पोजीशन है? लेफ्ट से 20वें पोजीशन पे है, मतलब भाई स्टार्टिंग से चाहे लेफ्ट से कुछ भी बोल सकते हो। और एंड से कितनी पोजीशन पे है? 15 पे है। तो 20 प्लस 15, और बीच में कितने लोग हैं? 14 लोग बीच में हैं, ठीक है? और बीच में है कितने? 14। तो ये यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 प्लस 15 प्लस 14, 5 4 9, 2 1 3 1 4, 49, ठीक है? इसमें आए कितने टोटल लोग? 49। तो 49 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जिसका जिसका सी आया है वो करेक्ट हो। कुछ नहीं निकालना था, मैंने पहले भी कॉन्सेप्ट वाले क्लास में इस टाइप के क्वेश्चंस को बता दिया था, आप लोगों से ये क्वेश्चन लग जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है आपसे कि लड़कों की एक पंक्ति में मदन का स्थान, ठीक है? लड़कों की एक पंक्ति में मदन का स्थान बाएं से 20वां है और दाएं से 12वां है। पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 15वां है, तो मदन और प्रताप के बीच में कितने बच्चे हैं? अब इनके दोनों के बीच में आपसे पूछ रहा है कितने लोग हैं। तो फटाफट आप लोग सभी लोग आंसर कमेंट करो क्या होगा, उसके बाद मैं बताता हूं। सभी का आंसर आ जाना चाहिए इसका। चलिए बढ़ जाते हैं अब आंसर की तरफ, देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। भैया डायग्राम बना लेते हैं। बोला है कहां से कि बॉय के रूप में मदन 20वें नंबर पे है, ये मैं बना ले रहा हूं रो, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा और ये हमारा राइट हो जाएगा। अब यहां से बोल क्या रहा है कि लड़कों की पंक्ति में मदन का स्थान बाएं से 20वां है, तो 20वें स्थान पे कौन है? मदन है, ठीक? उसके बाद से दाएं से 12वां है, किसका? मदन का ही। दाएं से ये 12 नंबर पे है, यहां से देखो ये इस नंबर से, ये लेफ्ट से 20 है और दाएं से 12 नंबर पे है। अब पंक्ति में प्रताप का स्थान दाएं से 15 है, ठीक है? प्रताप हैं जो दाएं से, कितने हैं? 15 हैं। तो भैया ये 12 हैं दाएं से, तो प्रताप आपके कहाँ आएंगे? यहां कहीं आएंगे, तभी तो यहां 15 होगा। यहां से दाएं से ये 15 हैं प्रताप, तो यहां 15 होगा, ये 12 होगा दाएं से इनका स्थान। तो 15 और 12 में कितने लोग बीच में आएंगे? इसका स्थान 12 है, इसका स्थान 15 है, किधर से? एक ही साइड से। तो ये 12 बीच में 13 वाला आएगा, 14 वाला आएगा, इनका 15 हो जाएगा। तो बीच में आने वाले की संख्या कितनी हो जाएगी? आप या तो ऐसे कर सकते हो, 15 माइनस 12 कितना आएगा? 3 माइनस 1, ठीक? 2, ठीक? दोनों में से माइनस माइनस 1 कर दोगे तो वो आपके बीच की संख्या आ जाएगी।
जिसकी पोजीशन माइनस इसकी पोजीशन, इसके पोजीशन में से इसकी पोजीशन माइनस कर दो, उसमें से माइनस एक कर दो, तो इनके बीच की संख्या आ जाएगी। तो कि बीच में कितने लोग हैं, दो लोग हैं, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो जिसका जिसका ऑप्शन बी आया वो करेक्ट है। आसान सा क्वेश्चन था, इसमें बहुत बड़ा कुछ था नहीं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट करो। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बोला है कि विद्यार्थियों की पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 12वां है, काशी का स्थान दाएं से 17वां है, जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, ठीक है, तो काशी का स्थान दाएं से 27वां हो जाता है, बताएं कितने विद्यार्थी काशी और रमेश के बीच में हैं। ठीक, अभी तक पोजीशन चेंज वाला आता था तो उसमें पूछता था टोटल कितने लोग हैं, अब आपसे पूछ रहा है जब चेंज हो जाएगा तो उसमें काशी और रमेश के बीच में कितने लोग आएंगे आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है। जिसका आ गया भैया कमेंट कर दो, जिसका नहीं आया अब देख लो इसका आंसर क्या होगा। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ये तो पता हो गया आपको। अब ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया। क्वेश्चन में बोल क्या है, बोले विद्यार्थियों की पंक्ति में रमेश का स्थान बाएं से 12वां है, ये है रमेश जो बाएं से 12 है, लिख दिया मैंने, काशी का स्थान दाएं से 17 है, समझ लो यहाँ काशी है जो दाएं से 17 नंबर पे है, इधर से जब दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो बदल देते हैं इनका स्थान, यहाँ काशी आ जाते हैं, यहाँ रमेश आ जाते हैं। ये लो मैंने फिर से नई पंक्ति बना दी, ये हो गई। अब बदलने के बाद काशी का स्थान दाएं से 27 हो जाता है, तो जो काशी है देखो इसका स्थान, तो देखो दाहिने से 17 है ना, इसका स्थान दाहिने से 17 होगा, क्योंकि जब काशी यहां 17 पे था इसी पोजीशन पे, तो आपका आर वो आया है, कौन आया है, रमेश आया है, तो रमेश का दाएं से 17 है, और फिर से बोल रहा है कि काशी इस नए वाले में दाएं से कितना हो जाता है, दाहिने से काशी जो है 27 नंबर पे हो जाता है, तो ये 27 पे है। तो अब इनके बीच में अगर आपको निकालना होगा तो 27 माइनस 17 माइनस कॉमन करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, इनके बीच में लोग आ जाएंगे, तो 27 माइनस 17 करोगे तो कितना आ जाएगा, 27 में से 17 माइनस कर दो, यहाँ 0 2 में से 1 जाएगा 1, 10 माइनस 1 कर दो तो 9 आ जाएगा। तो इनके बीच में टोटल कितने लोग होंगे, 9 लोग होंगे। ठीक, 9 7 16 26, एक जब जोड़ोगे तभी तो 27 नंबर पे आएगा, तो 9 लोग होंगे इनके बीच में, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपके सामने आ रहा है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो फटाफट, एकदम जल्दी से बता दो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और दिख रहा है तो आंसर कमेंट करो। बोला है कि 60 बच्चों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की दुगुनी है, यहां देखना गौर करना, लड़कों की संख्या लड़कियों से दुगुनी है, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, मतलब गर्ल्स और बॉय हैं तो ये दो होंगे तो ये एक होंगे, मतलब ये एक है तो ये दो होंगे, यही बात है बोला, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है, ये एक रेशियो में है तो ये दो रेशियो में है, ऐसा कुछ है। तो कमल ने ऊपर से 16वां स्थान प्राप्त किया, यदि 9 लड़कियां कमल से आगे हैं तो उसके बाद कितने लड़के हैं, ये आपसे पूछ रहा है। बोला कि अगर 9 लड़कियां हैं कमल के आगे, उसकी पोजीशन दे दिया है 16 नंबर पे है ऊपर से, और बोल दिया कि 16 के ऊपर सिर्फ 9 लड़कियां हैं, तो उसके पीछे कितने लड़के होंगे। देखो ये आपका मैंने बना दिया क्लास में, ठीक, अब ये यहां से लेके 16 नंबर पे, टॉप से मैं बोलूं 16 नंबर पे कौन है, 16 नंबर पे आपका कमल है, ठीक, और एक तो आप ये जान लो कि कितने हैं, 2 और 1 है, 3 रेशियो में है, तो मैं बोल सकता हूं कि 3 रेशियो बराबर 60, क्योंकि कक्षा में बॉयज और गर्ल्स के अलावा तो कोई और होगा नहीं, तो 3 रेशियो बराबर 7, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 60, मतलब 2 रेशियो बराबर आपका 40, 1 रेशियो बराबर 20, यही तो आएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आपके जो गर्ल्स होंगी वो कितना होंगी, 40, और जो बॉयज होंगे वो कितना होंगे, 20, यही होगा। तो 40 लड़कियां हैं, 20 लड़के हैं, ठीक, तो अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि यहां 16 नंबर पे ये ऊपर से है कमल,
और इसमें ये बोल दिया है कि नौ लोग, नौ लड़कियां हैं, यहाँ पे सिर्फ नौ गर्ल्स हैं, ठीक है, नौ गर्ल्स हैं, तो कितने लड़के होंगे, लड़के कितने होंगे आपके, अगर नौ गर्ल्स होंगे, ये 16 टोटल, यहाँ से 16 है, ठीक, टोटल 16 है, जिसमें से आपका नौ तो लड़के ही हो, लड़कियां होंगी, तो बॉयज कितने होंगे निकाल लोगे, बॉयज 16 माइनस 9, ठीक, 9 में से 6 जाए, ये आपका 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो 9 7, ठीक, 16, और यहाँ पे पूरा का पूरा 7 लोग बचेंगे, ठीक, तो 7 लोग लड़के होंगे ऊपर ऊपर के, इसको मिला के 7 लड़के होंगे। अब 7 लड़के ऊपर हो गए, टोटल लड़के हमारे पास 20 हैं, तो 20 में से 7 माइनस कर दें, तो 20 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितने आ जाएंगे, 13। तो हम बोलेंगे कि इसके नीचे जो हैं कितने लड़के हैं, 13 लड़के हैं, 13 बॉयज हैं, ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया। देखो कुछ नहीं है, बोल रहा है कि यहां से 16 नंबर पे कौन है, कमल है, उसके बाद से बोला कि 16 नंबर में यहां से यहां तक इसमें 9 लड़कियां हैं, तो इसमें भैया 9 लड़कियां हैं, तो इसका मतलब 9 लड़कियां मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स प्लस बॉयज बराबर 16, तभी तो ये 16 होगा, टोटल यहां तक 16 है, तो 9 लड़कियां अगर हम घटा देंगे 16 में से, 16 में से 9 जाएगा 7, तो हमें ये आ जाएगा कि यहां से लेके यहां तक 7 लड़के हैं, तो 7वां लड़का तो यही होगा कमल ना। अब इससे पूछ रहा है नीचे कितने लड़के होंगे, तो टोटल लड़के कितने हैं, टोटल लड़के 20 हैं, उसमें से 7 घटा दो तो कितने बचे, 13, 13 लड़के बचे, तो 13 लड़के जस्ट उसके नीचे होंगे, और कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपसे यही पूछा था कि कमल से आगे हैं तो उसके बाद कितने लड़के होंगे, तो कितने लड़के होंगे, 13 लड़के होंगे, ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक, जिसका जिसका आया ऑप्शन ए वो करेक्ट हो, इसमें कुछ नहीं करना था। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो। बोला 35 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल को नीचे से 7वां जबकि सोनाली को ऊपर से 9वां स्थान दिया गया है, ठीक है, पुलकित को बिल्कुल दोनों के बीच में जगह दी गई है, कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है, ये देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, इसमें बोल रहा है कि एक पुलकित है जिनको दोनों के बीच, वो दोनों के बीच में है, पुलकित को बिल्कुल दोनों के बीच में जगह दी गई है, ये लाइन याद रखना, आंसर कमेंट कर दो, जिसका नहीं आया वो देख लेते हैं इसके बाद इसका आंसर क्या होगा। चलो बढ़ जाते हैं आंसर की तरफ, ये देखो एक मैंने लाइन खींच दी, ये हमारा लेफ्ट होता है और ये राइट होता है, इतना तो पता है आपको। बोला 35 छात्रों की एक कक्षा में कुणाल नीचे से 7वां जबकि सोनाली ऊपर से 9वां है, चलो नीचे और ऊपर वाली है लाइन, तो हम नीचे ऊपर वाली देख लेते हैं ना, क्यों ऐसे वाली खींचे, नीचे से ऊपर वाली लाइन है तो ये लो, ठीक है, उसके बाद से जो बोला है वो देख लो, कुणाल नीचे से 7वां है, कुणाल जो है ये किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे है कुणाल, नीचे से इस साइड से नीचे से 7वें नंबर पे है, जबकि सोनाली ऊपर से 9वें नंबर पे है, सोनाली जो है यहां से मैं देखूं तो ये हो गई 9 नंबर पे कौन, सोनाली, ठीक, उसके बाद पुलकित बिल्कुल दोनों के बीच में जगह है, इनके बीच में जो है कौन है, पुलकित है, अब ये पता नहीं है कि ये सोनाली, कुणाल उधर है सोनाली इधर है, ये पता नहीं, मैंने एक रफ डायग्राम मैंने आपको बना दिया, कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है, पूछ रहा है कि कुणाल का पुलकित से, ये जो कुणाल है उनका पुलकित, कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है, पुलकित से कुणाल का स्थान आपको बताना है किस नंबर पे है। चलो अब देख लेते हैं, अब इसमें टोटल कितने हैं, टोटल 35 लोग हैं, ठीक है, जब 35 हैं तो आपको नीचे से इसका स्थान पता है ना 7, और इसका स्थान ऊपर से पता है 9, तो हम सोनाली का क्या करते हैं, नीचे से स्थान पता कर लेते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, टोटल टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, यही तो करते हैं, तो टॉप में कितना है इसका 9, बॉटम से हमें पता करना है माइनस 1, 9 में से 1 जाएगा 8 प्लस बॉटम, तो 35 में से 8 घटा देंगे, ठीक, तो 8 7 15 3 1 2 27,
तो बॉटम से ये किस नंबर पे हो जाएगी, 27 नंबर पे। तो 7 तो ये हो गया, 20 और जाएगी, ठीक, तो ये आ गया 27। तो ये 27 नंबर नीचे से है, ये 7 नंबर नीचे से है। तो आपको इनके बीच में लोग पता चल जाएंगे, सोनाली और कुणाल के बीच में कितने होंगे, 27 माइनस 7 कितने हुए, 20 माइनस 1, तो भी तो बीच के लोग पता चलेंगे। तो 20 माइनस 1 कितने हो जाएंगे आपके, 19 लोग, ठीक है, 19 लोग होंगे इनके बीच में, यहां से लेकर यहां तक 19 लोग होंगे इन दोनों को छोड़कर, ठीक, कुणाल और सोनाली को छोड़कर 19 लोग बीच में होंगे। जब 19 लोग बीच में हैं तो पुलकित का बोला है कि मान लो ये यहां से और यहां तक के बीच में 19 लोग हैं, बोला पुलकित बीच में है, तो बीचों वाला पोजीशन क्या होगा, 9 ये होगा, 9 ये होगा 18, और ये वाला एक क्या हो जाएगा 19, यही तो होगा, हाफ मतलब हाफ इधर होंगे उसके, हाफ इधर होंगे, तो 9 लोग इधर होंगे, 9 लोग इधर होंगे, मतलब इसे जब हाफ निकालना होता बीच वाली पोजीशन, तो कुछ नहीं करते 19 प्लस 1 अपॉन 2 कर देते हैं, तो 20 अपॉन 2 मतलब बीच वाला क्या होगा, 10वें नंबर पे होगा, ठीक है। तो बीच अपॉन 10वें नंबर पे होगा, तो ये आपका 10th वाले पोजीशन पे आपका यहाँ पे, यहाँ से जब गिनोगे तो 10 नंबर के पोजीशन पे कौन होगा आपका, पुलकित होगा। तो आपसे पूछ रहा है कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है, ठीक, कुणाल का पुलकित से क्या स्थान है, तो यहां से जब स्थान गिनोगे तो कौन सा स्थान होगा इसका, इसके मतलब यहां से जब हम गिनेंगे, क्योंकि ये आपका कितने नंबर पे है, 10 नंबर पे है, ठीक है, और 10 नंबर से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इसके बीच में 9 प्लस 1 वो खुद, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 10वें नंबर पे हो जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा है कि आपका कि कुणाल का पुलकित से कौन सा स्थान है, 10वां स्थान है, ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना था आपको, पहले टोटल दिया था तो हमें सोनाली का क्या निकाल लिया, सोनाली का हमने आपका बॉटम से निकाल लिया पोजीशन कितना होगा, उसके बाद से बॉटम से जब पोजीशन निकल गया तो हम इनके बीच में कितने लोग बैठे हैं वो निकाल लिए, कितने लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं। अब एक चीज और बोला था कि पुलकित जो है 19 में बीच में है, तो बीच में कब होगा कि 9 यहां हो, 9 यहां हो और ये बीच वाला हो, तभी तो 19 लोग होंगे, तो 9 इधर के लड़के होंगे, 9 इधर होंगे, तो 18 प्लस 1 19 में। तो यहां से पूछ रहा है इसका स्थान कितना है पुलकित से, तो 9 ये और ये 10वें स्थान पे है जो है आपका कुणाल पुलकित से, तो यहां से जब चलेगा इंसान तो 9 इसे कवर करेगा, ये 10वें नंबर पे होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा सही हो जाएगा, ठीक है। और कुछ नहीं था, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आंसर कमेंट करिए सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा। बोला एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां है, अरुण की जगह सामने से 8वीं है, निखिल दोनों के बीच में खड़ा है, तो लड़कों की सबसे कम संख्या पंक्ति में क्या हो सकती है। इसमें आपसे मिनिमम पूछ रहा है कि एक क्यू में शिखर इज 9th फ्रॉम द बैक, ये देख लेते हैं, आंसर जिसका आ जाए वो कमेंट कर दो, जिसका नहीं आया देख लो। क्वेश्चन में बोला एक पंक्ति में शिखर पीछे से 9वां स्थान है, शिखर जो है पीछे से, यहां से पीछे से 9वें स्थान पे शिखर है, उसके बाद से अरुण की जगह सामने से 8वीं है, अरुण की जो जगह है, ठीक है, वो सामने से 8 नंबर पे है, यहां से निखिल दोनों के बीच में खड़ा है, निखिल जो है दोनों के बीच में खड़ा है, अब ये पता नहीं इसमें बीच में कितने लोग हैं, तो लड़कों की सबसे कम संख्या पंक्ति में क्या हो सकती है, आपसे पूछ रहा है सबसे कम संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो आप कैसे पता करोगे सबसे कम संख्या कितनी हो सकती है लड़कों की, तो आपको ये अंदाजा होना चाहिए कि आपका मिनिमम वाला केस होना चाहिए। तो मिनिमम वाला केस क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल का टर्म माइनस 2, यही तो हम मिनिमम निकाल सकते हैं यहां से, ठीक। तो मिनिमम यहां से हम निकाल सकते हैं कि कितने लोग होंगे, तो मिनिमम का अगर आपका ये पता चल जाए कि लड़कों की सबसे कम संख्या पंक्ति में क्या हो सकती है, तो हम ये देख लें मिनिमम पहले मान लें कि किससे हम ड्रॉ कर सकते हैं। आपसे ऑप्शन से एक तो ये होगा, डायरेक्ट कर नहीं सकते हो। अब देखो ऑप्शन ये है, 8 दिया है, फिर 10 दिया, 12 दिया, 14 दिया है, तो 8 क्या हो सकता है क्या, मैंने आपसे बताया था
कि हम मिनिमम उतना ले सकते हैं जो इनमें सबसे ज्यादा हो, पोजीशन में जो सबसे ज्यादा हो। कौन सी पोजीशन सबसे ज्यादा है, 8 या 9? 9 ना, तो हम मिनिमम तो 9 ले सकते हैं। सबसे कम 9 में हम ड्रा करके देख सकते हैं कि अगर हम 9 में ड्रा कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 में तो हम ड्रा ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बोले ये 8 लोग हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक रफ कर दिया, ठीक है, 8 लोग हैं। अब बोल रहा है कि ये जो आपका कौन था, एस, एक पंक्ति में शिखर, शिखर जो है लास्ट से 9वें स्थान पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक तो हमें बनाना ही पड़ेगा, तो हम काउंट कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हम मिनिमम का 9 मानेंगे, क्योंकि इस पोजीशन में जो आपका हाईएस्ट होगा वही मिनिमम होगा। ठीक, तो ये मिनिमम मैंने 9 का बना दिया। अब यहां से मैं बोलूं कि शिखर जो है पीछे से 9वें स्थान पे है, तो शिखर आपका यहां पे आएगा, ठीक है, और अरुण 8वें स्थान पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे अरुण आ जाएगा, यहां पे अरुण आ जाएगा, यहां से आगे से, तो इसमें दोनों ड्रॉ हो जा रहा है। अब पूछ रहा है इनके बीच में मिनिमम निखिल जो है आपका, क्या नाम है इसका, हाँ निखिल, इन दोनों के बीच में खड़ा है, दोनों के बीच में है, तो निखिल बीच में होगा, तो उससे मतलब नहीं, हमारा तो ये ड्रॉ हो गया ना, तो मिनिमम हमारे पास कितने स्टूडेंट है, क्योंकि निखिल तो इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है, बीच में ही इंक्लूडेड है, तो हम कितने लोगों में ये ड्रा कर सकते हैं, 9 लोगों में कर सकते हैं, तो 9 तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो ये खत्म हो जाएगा। क्या 10 में हो सकता है क्या ये चीज? जब 9 में हो गया तो 10 में भी हो सकता है, हम एक और कहीं भी बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, मान लो हम एक इधर बढ़ा दें, तो इसकी पोजिशन क्या हो जाएगी, खसक जाएगी, ये कहाँ, यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन, आपका ये अरुण यहां पे आ जाएगा। अगर एक लोग और हम एक्स्ट्रा बढ़ा दें, तभी भी हमारा हो जाएगा कि यहां से ये 9 नंबर पे है और यहां से ये 8 नंबर पे है, ठीक। तो इसके बीच में कितने लोग हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 लोग, और बीच में मिडिल में आपका कौन आएगा, निखिल आएगा, ये मिडिल में 2 इधर और 2 इधर, यहां निखिल, तभी भी सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन में अगर 9 होता तब तो वो बेटर था कि यही होगा मिनिमम, मगर ऑप्शन में आपका 9 नहीं है, सीधे क्या 8 है, तो ये तो होगा नहीं मिनिमम का। उसके बाद से 10 है, उसके बाद 12 14, ये भी सब हो सकते हैं, मगर ये मिनिमम थोड़ी हुए, उससे मिनिमम एक ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, क्या है वो, 10 है, तो इसलिए हम यहाँ क्या मानेंगे, 10 मारेंगे। अगर ऑप्शन में 9 होता तो आप क्या पहले प्रेफर करते, 9 प्रेफर करते, मगर ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए मिनिमम का क्या होगा इसमें, 10 होगा, ठीक, क्योंकि 10 ही इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो कि आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं, अब जिसका नहीं आया देख लो, क्वेश्चन में आसान सा क्वेश्चन है, बोला वर्ग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच अमीषा का ऊपर से 22वां स्थान है, ठीक है, तथा सजल जो अमीषा से 5 श्रेणी कम है, नीचे से 34 स्थान पर है, सारे विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, यदि उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है तो वर्ग में कितने छात्र है, ये आपको पता लगाना है। तो भैया मैं ये क्लास का ये बना ले रहा हूँ रैंकिंग, आपकी पोजीशन कैसे आई ये देखो। अब इसमें बोल रहा है कि वर्ग में उत्तीर्ण विद्यार्थियों के बीच अमीषा ऊपर से 22वें स्थान पे, मतलब जब रैंक शुरू हुआ तो अमीषा का स्थान कौन सा है, 22 है, ठीक है, यहाँ अमीषा है। सजल जो अमीषा से 5 श्रेणी कम है, 5 श्रेणी कम है मतलब इससे नीचे ही आएगी, तो 22 5 27 पे कौन आ जाएगा आपका, सजल आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद श्रेणी कम है, नीचे से 34 स्थान पर है, उसी का स्थान सजल का नीचे से कितने पे दिया गया है, 34 पे दिया गया है, ठीक है। अब उसमें बोला यदि उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात 4:1 है तो टोटल कितने होंगे। अब ये जो आपका दो ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये किसका बनाया है, पास्ट कैंडिडेट, पास्ट कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट लगी है समझ लो एक तरह से, तो उस मेरिट लिस्ट में ऊपर से 22वें पे अमीषा है, उससे 5 रैंक नीचे जो है सजल हैं, जिनका बॉटम से नीचे से भी रैंक दिया गया है कि 34 स्थान पे, तो इसमें सिर्फ पास्ट कैंडिडेट हैं, तो हम पास्ट कैंडिडेट टोटल निकाल सकते हैं, कितने पास्ट टोटल हुए ये तो निकाल सकते हैं ना, टोटल पास्ट कैंडिडेट कितने कैंडिडेट पास्ट हुए हैं, तो उसमें क्या करेंगे, टोटल किसी का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1,
तो किसका लेफ्ट राइट पता है हमें? सजल का लेफ्ट भी पता है, मतलब ऊपर से भी पता है, मतलब वही बोल सकते हो टॉप और बॉटम। तो इसका टॉप से भी पता है हमें और बॉटम से भी पता है, तो इसी से हम टोटल निकाल सकते हैं। तो 27 प्लस 34, यही तो, माइनस एक, 34 की जगह यहाँ आप 33 कर दो। 27 प्लस 34 माइनस 1, तो 27 प्लस आप क्या कर दो, 33 कर दो। तो यहाँ से 7 3 10 3 2 5 1 6, टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। ठीक, तो हम बोल देंगे पास्ट कैंडिडेट जो होंगे हमारे पास वो कितने लोग हैं, 60 लोग हैं। तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है कि पास्ट और फेल का रेशियो 4:1 दिया हुआ है। ठीक, तो 4:1 दिया हुआ है, इसका मतलब यहां रेशियो में बात करें, आप लोग पढ़ भी रहे हो रेशियो मैथ में, तो 4:1 आपका मतलब हम कहें कि 4 लोग क्या हैं आपके पास हैं, मगर हमारी रियल वैल्यू कितनी है, 60, मतलब 4:60 हो गया। तो 1:15 = 60 होता है ना, तो 15। तो फेल कैंडिडेट कितना हो जाएगा, फेल कैंडिडेट तो 1:1 ना, तो 1:1 मतलब 15 लोग क्या होंगे, फेल होंगे। तो टोटल हमें जब स्टूडेंट निकालना होगा कि एग्जाम में कितने लोग बैठे हैं, तो एग्जाम में पास्ट और फेल दोनों बैठे होंगे, तो पास्ट कितने हैं 60 और फेल कितने हैं 15। तो ये मत करना कि सिर्फ पास्ट वाले निकाल के 60 मार के चले आना आंसर, गलत हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन में। इसमें बोला है टोटल कितने छात्र हैं, तो छात्र में पास और फेल दोनों आएगा, इसीलिए 60 प्लस 15 करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 75। तो ऑप्शन आपका बी जो होगा सही हो जाएगा। तो जिन्होंने 60 मारा होगा वो गलत, क्योंकि उसने क्या किया कि इसी पे काउंट कर दिया कि टोटल स्टूडेंट 60 आ गए, क्योंकि सजल यहाँ से 27 हो गई ऊपर से और नीचे से इसका 34, तो 27 प्लस 34 माइनस 1 नहीं है तो 60 आ गया। तो सर 60 होगा इसका आंसर। अरे 60 तो पास्ट कैंडिडेट आए, क्योंकि ये जो मेरिट लगी है वो पास्ट लोगों की लगी है, फेल की मेरिट नहीं लगती है। ठीक है, तो फेल कितने हुए हैं वो हम इस रेशियो से पता कर लेंगे जो दिया था, क्योंकि पास्ट हमें पता चल गया कि 60 लोग हैं, तो हम 4:60 कर दिए, और 1:1 का हमारा वैल्यू पता चल गया कि 15 लोग हैं, तो हम बोल देंगे फेल कितने हुए, 15, 60 में 15 जोड़ देंगे तो 75 हमारे टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ो और इसके से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, सेम इन्फॉर्मेशन से बोल रहा है कि लड़कों तथा लड़कियों की एक पंक्ति में मोहन का रैंक शुरू से 16वां है, रीता का रैंक अंत से 19 है, लड़कों के रूप में मोहन अंत से 28 स्थान पे, देखो अलग अलग रैंक दिया हुआ है अलग अलग उस पे, पहले दिया कि लड़के तथा लड़कियों की एक पंक्ति है जिसमें मोहन की रैंक शुरू से 16वीं है, शुरू से मतलब उसमें लड़के और लड़कियां सब इंक्लूडेड हैं, और अंत से, और रीता की रैंक अंत से 19 है, इसमें भी लड़के और लड़कियां सब इंक्लूड करके उसकी अंत से 19 है, लड़कों के रूप में मोहन अंत से 28 पे है। यहां सिर्फ लड़कों के रूप में दे रहा है कि अगर लड़के में देखा जाए तो अंत से कौन आपके मोहन जो है 28 नंबर पे है, तथा लड़कियों में रीता शुरू से 15वें पे है, यदि मोहन लड़कों में शुरू से 13वें तथा रीता लड़कियों में अंत से 8 स्थान पर है तो बताएं कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, मतलब टोटल लोग कितने हैं उसमें। तो कुछ नहीं करना है आपको, एक कतार बनाना है, आपका हो गया कतार, ये शुरू हो गया, स्टार्टिंग हो गया, ये एंड हो गया पोजीशन आपका, यही तो इसमें जो जो बोल रहा है आपसे, बोल रहा है कि मोहन का रैंक शुरू से 16वां है, तो 16वां शुरू से है तो मैं यहां 16 पे आपको क्या मोहन को बना देता हूं 16 नंबर पे। ठीक है, मोहन है, रीता का रैंक अंत से 19 है, मतलब यहां से नीचे से अगर हम देखें तो यहां पे रीता है 19 नंबर पे। ठीक है, आपके 19 नंबर पे कौन है, रीता है लास्ट से, लड़कों के रूप में मोहन अंत से 28 स्थान पे है, अंत से लड़कों के रूप में ना कि टोटल, सिर्फ बॉयज में 28 नंबर पे हैं ये। ठीक है,
तथा लड़कियों में रीता शुरू से 15वें स्थान पे है। शुरू से लड़कियों में ये कितने नंबर पे है? 15 स्थान पे है। ये गर्ल्स में है, सिर्फ गर्ल्स में। यदि मोहन लड़कों में शुरू से 13वें पे है, ठीक है, मोहन का बोल रहा है कि अगर लड़कों में ये शुरू से बॉयज में 13 नंबर पे है, ठीक है, और रीता लड़कियों में अंत से गर्ल्स में रीता जो है 8वें नंबर पे है, ठीक। तो अब बताओ टोटल कितने लोग होंगे। तो एक, चलो मैं बॉयज टोटल निकाल सकता हूं। टोटल बॉयज निकालने के लिए किसी भी लड़के का, उसका लड़कों में पता चल जाए कि अंत से और शुरू से कितनी पोजीशन है। तो मोहन एक लड़का है जिसका शुरू से पता चल रहा है कि लड़कों में 13 है और अंत से लड़कों में 28 नंबर पे है, ठीक है। तो हम टोटल बॉयज निकाल सकते हैं ना। देखो इसी मोहन का लड़कों में 13 नंबर पे है और लड़कों में अंत से 28 नंबर पे है, तो हम बॉयज निकाल सकते हैं टोटल। तो टोटल बॉयज कितना हो जाएगा आपका, स्टार्टिंग एंड माइनस वन, तो 13 प्लस 28, यही तो 13 प्लस 28, तो 8 की बन 9, 10, 11, 2, 1, 3, 1, 4, तो 41 माइनस 1 कर दोगे तो 40 लड़के हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 40 लड़के। अब गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स में अगर हम लगाएं दिमाग, तो देखो गर्ल्स में रीता गर्ल्स है जो स्टार्टिंग से कितनी है, 15 पे है, ठीक है, और एंड से कितने पे है, 8 पे माइनस 1, तो 15 प्लस 8 में से 1 जाएगा 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 12, 22 हो जाएगा ये, तो 22 कितनी क्या हो जाएंगी टोटल, गर्ल्स हो जाएंगी, ठीक। यहां से गर्ल्स वाले कैंडिडेट से हम टोटल गर्ल्स निकाल लेंगे, बॉयज वाले कैंडिडेट से टोटल बॉयज निकाल लेंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल आपके स्टूडेंट कितने हुए। अगर हमें स्टूडेंट पता करना हो तो स्टूडेंट मिला दें तो वो क्या होंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स ही तो होंगे, इससे ज्यादा कुछ थोड़ी होंगे। तो हमने दोनों इंडिविजुअल निकाल लिया, 40 निकाल लिया और एक कितना निकाल लिया, 22 निकाल लिया, तो 40 प्लस 22 कितना हो जाएगा, 62, यही तो होगा। 40 प्लस 22 कितना होगा आपका, 62 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, कौन सा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। यही आपसे पूछा था, कुछ नहीं करना था, जो जो पोजीशन बोला, ये शुरू से 16 है, ये अंत से 19 है, लेकिन लड़कों में ये शुरू से 13 नंबर पे है और लड़कों में अंत से ये 28 नंबर पे है। तो 13 प्लस 28 माइनस 1 कर दिए तो हमें लड़कों की संख्या पता चल गई कितनी, 40। ऐसे गर्ल्स में हम देख लें तो ये शुरू से 15 नंबर पे है गर्ल्स में और ये अंत से गर्ल्स में 8 नंबर पे है, तो 15 प्लस 8 माइनस 1 कर दिए तो हमें 22 चल गई कि टोटल गर्ल्स 22 है। दोनों को ऐड कर दिए गर्ल्स और बॉयज तो हमारे आगे 62, यही हमारे टोटल लोग होंगे इस रो में बैठने वाले 62 लोग। तो 62 में आपके आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है आप लोगों को, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। तो आपको पता है ना कि बॉयज और गर्ल्स कितने आए अभी ऊपर, बॉयज आया 40, गर्ल्स आई 22, तो इसमें रेशियो कितना होगा, 20, 2 एक कम 2 11, 20 रेशियो 11, देख लो 20 रेशियो 11 कौन सा है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मोहन कतार में, मोहन से पहले लड़कियों की संख्या कितनी है कतार में। 10 नंबर क्वेश्चन इसी से पूछ रहा है कि कतार में, ये जो आपकी कतार बनी है मैं इसे सफ रफ कर दे रहा हूं, ये तो आपको सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि कतार में मोहन से पहले, यही बोल रहा क्वेश्चन, मोहन से पहले लड़कियों की संख्या कितनी है। ठीक है, बोल रहा है हमारा अगला क्वेश्चन है कि मोहन से पहले लड़कियों की संख्या कितनी है कतार में। तो भैया देखो यहां से ये लड़कों में तो 13 है और उसकी टोटल पोजीशन कितनी है, 16 मेन पोजीशन है मोहन की शुरू से स्टार्टिंग से, मगर लड़कों में 13 है तो 16 में से 13 माइनस कर देंगे तो 3 ही तो बचेगा, 3 बचेगा। इसका मतलब इसमें
जो लड़कियां हैं वो कितनी है? 3 है, तभी तो होगा 13 प्लस 3 16, तभी तो यहां से यहां के बीच में हम 16 लोगों को बैठा सकेंगे, यहां से यहां के बीच में 16 लोग तभी तो बैठेंगे। वैसे तो सिर्फ ये लड़कों में 13 है, इसका मतलब 3 इसमें लड़कियां होंगी तो 3 इसमें गर्ल्स होंगी। तो ये हम बोलेंगे कि मोहन से पहले 3 क्या है? गर्ल्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे इसी में 11 नंबर कि रीता के बाद लड़कों की संख्या कितनी होगी। चलो आ जाते हैं पहले वाले इसी पे, इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब बोला है कि रीता के बाद लड़कों की संख्या कितनी होगी, इसमें अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। तो रीता के बाद लड़कों की संख्या हमें पता करना है, तो हम क्या करेंगे? देखो रीता यहां से लास्ट से, रीता यहां से लास्ट से 19 नंबर पे है और लड़कियों में ये 8 नंबर पे है, तो इसका मतलब यहां बीच में कुछ लड़के भी रहे होंगे, तो 19 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 1 11 आएगा। तो हम बोल देंगे कि यहां बीच में यहां पे इतने कि 11 लड़के होंगे, 8 लड़कियां होंगी, तभी 11 और 8, तभी तो यहां 19 होगा, ठीक। 8 लड़कियां हैं तो 8वें नंबर पे तो खुद होगी, प्लस 11 लड़के और होंगे इसमें, तो हम बोल देंगे कि रीता के बाद कितने लड़के हैं? रीता के बाद आपके जो लड़कों की संख्या है वो कितनी है? 11 है, ठीक है, 11 यहां बॉयज है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था, तो आंसर इसका 11 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे थोड़ा देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर पूछा है आपसे मोहन तथा रीता के बीच लड़कों की संख्या कितनी है। अब देख लेते हैं इसे भी, इसी डायग्राम से देख लेते हैं कि मोहन तथा रीता के बीच लड़कों की संख्या कितनी है। लड़कों की अब इसके बीच में कितने लोग होंगे वो हमें निकालना है, तो इसके बीच में देखो वो कैसे हम निकालेंगे कि यहां से देखो टोटल के टोटल यहां पे कितने हो गए, ये आपका शुरू से 16 नंबर पे है, ठीक, और यहां पे आपको कितना है पता नहीं हमें, तो शुरू से 16 पे है, बीच में हमें कुछ नहीं पता, एक्स लिख देते हैं कि बीच में कितने लोग होंगे, ठीक है। हमें बीच का पहले पता चल जाए कि बीच में यहां पे लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है, उसके बाद ही हम लड़कों की संख्या निकाल सकते हैं। 20 प्लस एक्स हो गया, प्लस इधर से ये कितने नंबर पे, 19 नंबर पे, तो ये टोटल के बराबर हो जाएगा। टोटल हमारे पास कितना था भैया? 62 लोग थे इस पूरे पंक्ति में, टोटल में कितने लोग बैठे थे हमने निकाला था, यही हमारा पहला क्वेश्चन था, 62 लोग बैठे थे, तो ये हम 62 के बराबर कर देंगे। 16 प्लस 19 कितना? 9 6 15, 1 1 2 1 3, ठीक, 35 प्लस एक्स बराबर 62, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 62 माइनस 35, ठीक, तो यहां कितना हो जाएगा? 7 5 12, यहां 5 में 3 2 27, तो x की वैल्यू 27, मतलब इसके बीच में 27 लोग होंगे, ठीक है, इसके बीच में 27 लोग होंगे। अब उसको हम कैसे और करें कि ये 27 जो होंगे तो उसमें से लड़कों की और लड़कियों की संख्या निकालने कितनी होंगी, तो देख लो 27 है टोटल, तो हमने अभी देखा कि 3 लड़कियां यहां हैं, 8 लड़कियां यहां से यहां के बीच में हैं, तो 8 3 11, टोटल लड़कियां कितनी थी? 22, तो बचे कितने? 11, इसका मतलब वो 11 लड़कियां इसमें होंगी, तो 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 16 बचेगा, तो वो 16 क्या हो जाएंगे? बॉयज। तो इसके बीच में लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी? देखो बॉयज अगर पूछा है कि मोहन तथा रीता के बीच में लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कों की संख्या हो जाएगी 16, और लड़कियों की संख्या अगर पूछा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 11, ठीक, ये ध्यान रखना। तो इससे ये आसान सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा टफ नहीं था, आपको सिर्फ एक डायग्राम बनाना है, उसी से आपके इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक। इसमें बहुत माथा पेची नहीं करना, जिसको नहीं समझ में आया एक बार मैं एकदम ओवर थ्रू बता दे रहा हूँ क्या करना है। एक ड्रॉ करना है लाइन, आपने बताया ये 16 है,
किसमें, पूरे पंक्ति में लड़कों में 13 है और यही लड़कों में इधर से 28 है, तो 13 प्लस 28 जोड़ लिए तो हमें बॉयज मिल गए कितने, 40, क्योंकि बॉयज के ही की शुरू से और लास्ट से संख्या पता है। इसी तरह गर्ल्स में इसकी जो है शुरू से 15 है और लास्ट से 8 है, तो गर्ल्स में ये हो गई 22, टोटल 22 गर्ल्स होंगे और टोटल बॉयज कितने होंगे, 40, 40 और 22 जोड़ लेंगे तो हमारा 62 आ जाएंगे, तो मतलब इस रो में 62 लोग बैठे हैं, पहले का आंसर निकल गया। उसके बाद से आपसे पूछ रहा है कि इससे पहले कितने जो हैं आपके लड़कियां हैं, तो यहां से यहां तक 16 इसकी नंबरिंग है मगर लड़कों में ये 13 है, इसका मतलब तीन क्या होंगी, लड़कियां होंगी, तो तीन यहां लड़कियां हो जाएंगे। उसी तरफ से आपसे पूछ रहा है कि अंत से मतलब रीता के बाद कितने लड़के होंगे, तो रीता यहां से 19 नंबर पे है, ठीक 19 नंबर पे है मगर लड़कियों में 8 नंबर पे है, तो 19 कैसे कंप्लीट होगा, इसका मतलब 11 कोई और होगा, तो ये 11 कौन होगा, लड़के तो होंगे, तो ये वाला आंसर निकल जाएगा कि रीता के बाद में 11 लड़के हैं। उसके बाद से आपसे पूछा है कि बीच में मोहन और रीता के बीच में कितने लड़के या कितने लड़कियां होंगी, तो पहले हम टोटल निकाल दें कि इसके बीच में कितने लोग बैठेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहां से जब चलेंगे इस लाइन पे तो यहां से 16 लोग बैठे हैं, यहां मान ले x लोग बैठे हैं, यहां मान ले हम कितना लोग बैठे हैं, 19 लोग बैठे हैं, क्योंकि यहां लास्ट से तो ये 19 पे है ना मेन, और ये शुरू से 16 पे है, तो ये हम 62 के बराबर रख दिए, तो यहां से x की वैल्यू आ गई 27, कि इनके बीच में हमारे 27 लोग बैठे हैं। अब उस 27 में हम देख लिए कि तीन लड़कियां यहां निकल गई, 8 लड़कियां यहां निकल गई, 11 लड़की पहले से निकल चुकी है, तो 27 टोटल 22 लड़कियां थी, तो 11 पहले से निकल गई, तो बची कितनी लड़कियां, 11, इसका मतलब वो 11 लड़कियां इस बीच में आई होंगी, तो 27 में से 11 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 16 बचेगा, तो 16 ये बॉयज हो जाएंगे और 11 क्या हो जाएंगे, गर्ल्स हो जाएंगे। यही आपका दो इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, एक बार डायग्राम बनाए, सभी के आपके आंसर निकल आए। जैकपॉट क्वेश्चन था, इसे देख लेते, काफी बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया था, इसका आंसर जो है ए दिए थे बच्चों ने, वो गलत होगा, ए नहीं होगा, आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा करो, हो जाएगा तुरंत, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। इसमें बोला है एक रो बनाया गया है, बोले लड़कियों की एक पंक्ति में प्रिया नताशा के बीच में 16 लड़कियां हैं, प्रिया बाएं से, कहां से, यहां से बाएं से प्रिया जो है आपकी 32वें स्थान पे है, लेकिन वही बोला यदि प्रिया नताशा के मुकाबले दाहिने के अंत से नजदीक में आ जाए, अगर दाहिने से गिना जाए तो पहले कौन आ जाए, प्रिया आ जाए, उसके बाद नताशा आए, तो इसका मतलब यहां से ही आएंगे, इनके बीच में 16 अब आ जाएगा आंसर कि नहीं। अगर ऐसा होता, तुम लोगों ने ऐसा बनाया होगा कि प्रिया यहां हो गई 32 नंबर पे, ये नताशा इधर से ये, तो हम बता ही नहीं सकते कि कैसे कितने स्थान पे होगा, हमें टोटल टोटल कुछ पता नहीं है, मगर यहां से बता सकते हैं क्योंकि ये राइट साइड से पहले प्रिया आ रही फिर नताशा, तो यहां से हम 16 लोगों को माइनस करेंगे, फिर एक माइनस कर देंगे तो हम उस पर नताशा पे पहुंच जाएंगे, ठीक है, आपकी जो भी होगी नताशा है क्या है, हाँ नताशा ही है। तो देखो कितने लोगों को माइनस करना है, पीछे इस पोजीशन पे 16 तो इसके बीच में हो गए और एक ये इसकी पोजीशन लेने के लिए, तो 32 में से हम 17 माइनस कर देंगे तो यहां हो जाएगा 5, 3 में से एक जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2 में से एक जाएगा 1, 15, तो टोटल यहां 15 वाला ये पोजीशन क्या हो जाएगी, 15, ठीक, क्योंकि ये भी लेफ्ट से पोजीशन दिया हुआ है, एक एक माइनस करते चले आओगे तो 32 में से 16 माइनस करोगे तो 16 नंबर पे पहुंचोगे, मगर वो 16 नंबर वो इसकी के बीच वाला रहेगा, उससे हम एक पीछे और आएंगे, वही हमारा कौन होगा, नताशा होगी, तो वो 15 पे आएगा, इसीलिए मैंने 32 माइनस 17 किया, क्योंकि इसे ले ले तो यहां से यहां तक कितने हो जाएंगे, 17 लोग हो जाएंगे, क्योंकि अभी इसके बीच में 16 दिया है, इसे इंक्लूड कर लेंगे तो 17 हो जाएंगे ना, तो हम डायरेक्ट 32 में से 17 माइनस कर देंगे तो हमें नताशा की पोजीशन पता चल जाएगी, वो क्या होगी, 15 होगी, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा, तो जिन लोगों ने सी दिया वो करेक्ट हो, ठीक, कुछ नहीं करना था, यहां से बोला ये 32 है और यहां से गिनने में पहले इसका नंबर आता है उसके बाद नताशा आती है, ठीक, तो इसके बीच में 16 लोग हैं तो हम क्या करेंगे, नताशा की पोजीशन फाइंड करनी थी, तो 16 ये नताशा एक 17, तो 32 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितने पे आ जाएंगे, 15 पे आ जाएंगे, तो वही नताशा की पोजीशन हो जाएगी। तो ये आपका रहा आज का रैंकिंग का सेशन, आज ये रैंकिंग जो है चैप्टर आपका समाप्त होता है, प्रैक्टिस सेट आपको दे दिया जाएगा ग्रुप पे, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अगले सेशन में हम आपके लिए नए चैप्टर लेकर आएंगे, तब तक वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, धन्यवाद।